बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय अकबर असलम। इसको हमने कस्टमाइज स्टिच किया है स्मॉल साइज पे। लेट्स सी हाउ इज इट। अच्छा जी, फैब्रिक इसका ऑर्गेंजा है और इसके ऊपर जो है हैंड वर्क हुआ हुआ है। इनका जो ग्रीन होता है, ये एक्चुअली पिक्चर में देख के हमारी क्लाइंट थोड़ी सी वरिड हो रही थी कि शायद ये ऑरेंज हो। इनका जब भी येलो होता है उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन टच होता है, तो ये उस टाइप का काइंड ऑफ धानी ग्रीन टाइप का जो है कलर है और पूरा हैंड वर्क हुआ हुआ है इसका। अनस्टिच की प्राइस हम लोग लाजमी मैंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग प्लीज़ चेक कर लिया करें। आई गेस 25,000 का है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। और दामन पर इसके जो है ऑफ वाइट पर्ल से इसी तरीके से एम्बेलिशमेंट हुई थी, वैसे ही किया है। और उसके ऊपर सारे जो है हैंड वर्क इनका काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा जो है गला भी इसका बना हुआ था। लेंथ इसकी जस्ट 34 इंचज़ हुई है, 34.5 इंचज़ हुई है। गला भी इसका जो है बना हुआ था, गले का काम काफ़ी अच्छा इंप्रेसिव है। और अकबर असलम का के साथ हमारा जो है ना वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब जब भी फैब्रिक कपड़े लिए हैं तो अच्छा है। स्लीव्स का भी इसका काम जो है बहुत खूबसूरत बना हुआ है। स्लीव्स का के ऊपर भी जो है वैसे ही पर्ल्स की एम्बेलिशमेंट की है, और ये सारा इसका जो हैंड वर्क है ये बहुत अच्छा हुआ है। स्लीव्स की लेंथ 19 इंचेस है। उसके बाद बैक इसका जो है वो इस तरीके से है, बूटी वाला, और बैक के ऊपर भी जो है पर्ल की वैसे ही एम्बेलिशमेंट की है। लेंथ मैंने ऑलरेडी बता दी, साइज़ भी बता दिया, स्मॉल साइज़ है ये। उसके बाद है इसका ढाका पजामा, और गेंजा ही फैब्रिक है, और फ्लेयर इसका काफ़ी है। लाइक ये वन साइड है, तो ये 1 गज तो नहीं होगा, लेकिन अराउंड 27-28 इंचज़ जो है एक साइड है। तो और ऑर्गेन्जा का जो है जब इतना होता है तो वो खड़ा खड़ा रहता है, तो इसलिए ये सही लगेगा। अगर ये शिफॉन होता या कोई सॉफ्ट फैब्रिक होता तो फिर ये कि वो कम होता है। इसके ऊपर जो है वो बॉर्डर बना हुआ था, कॉटन सिल्क की लाइनिंग लगाई हमने इसके अंदर भी और शर्ट के अंदर भी। एंड उसके बाद है इसका दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर जो है उन्होंने कुछ और एम्ब्रॉयडर्ड पत्ते इसे लगाए हुए थे, जो कि हमारे पास साहरे के अवेलेबल नहीं थे। ये हमने पहले ही क्लाइंट को बता दिया था, इसलिए इसके बाद हमने फिर इसके ऊपर ये इंडियन गोटा विद क्रिस्टल लगाया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगा है और ये अच्छा खासा महंगा होता है गोटा। ये जब भी हम लगाते हैं मैं बताती हूँ इसको, बड़ा साइज़ का। उसके ऊपर जो है ऊपर भी क्रिस्टल और एज पर भी क्रिस्टल लगा के इस तरह से, और अंदर की साइड को जो है पलटा है दुपट्टा। इसका फुली एम्ब्रॉयडर्ड जाल वाला हैंड एम्बेलिशमेंट तो नहीं है, लेकिन ये कि इस तरीके से इसकी एम्बेलिशमेंट हुई है। सो कलर भी इसका बड़ा खूबसूरत है, मेहंदी वगैरह के हिसाब से जो है बड़ा अच्छा है। और ऑर्गेन्जा इतना कोई हार्ड नहीं है, इनफैक्ट शर्ट के ऊपर तो जब हैंड वर्क आ जाता है तो वो खड़ा खड़ा नहीं रहता, बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा उसके ऊपर वेट आ जाता है ना, और ये सारा जो है वो स्पेशली ये वाला पार्ट ये बहुत अच्छा हैंड वर्क हुआ हुआ है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।